जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने एक्शन लिया है। गैंगस्टर्स, हार्डकोर बदमाशों, अवैध शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए शहर में अभियान चलाया है। सुबह 5 बजे एक साथ पूरे शहर में अभियान शुरू हुआ है। अपराधियों के संभावित स्थलों पर पुलिस टीमें दबिश दे रही है। अभी तक 250 से अधिक अपराधियों को हिरासत में लेने की सूचना हमें मिल रही है। सभी ACP और थानाधिकारी है फील्ड में। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बीती रात ही बना ली थी रूपरेखा। अभियान को रखा गया बेहद गोपनीय। 200 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, जिससे कि बदमाश ना कर सके एक दूसरे से संपर्क। इसलिए बेहद गोपनीय तरीके से पूरे अभियान को तैयार किया गया और रूपरेखा बनाई गई, उसके बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने यह बड़ा एक्शन लिया है। सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्योंकि बेहद गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अभी तक जो जानकारी हम बता रहे दर्शकों को वो ये है कि 200 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा गया है। आपके पास और क्या जानकारी है वो बताइएगा। देखिए, चुनाव सामने हैं और आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में शहर में बैठे हुए अपराधियों, गैंगस्टर्स और जो शराब तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए बीती रात को यह अभियान की रूपरेखा बना ली गई थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने इसे बेहद गोपनीय रखा, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अभियान लीक हो जाता है और बदमाश अपना स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार बदमाशों को मौका नहीं दिया। सुबह 5 बजे करीबन 100 से अधिक पुलिस टीमों ने जयपुर शहर के पूरे तमाम थाना इलाकों में एक साथ दबिश दी। 200 से अधिक जो अपराधी है उनको फिलहाल डिटेन किया गया है। जो सूचना हमें मिल रही है कि उनपे हथियारे बरामद किए गए हैं, बड़ी मात्रा में अवैध शराब जो चुनाव के अंदर खपने वाले थे, या फिर यूं कहें कि मतदाताओं को अवैध शराब देकर खरीदने का तैयारी की जा रही थी, लेकिन इन सभी तस्करों के मंसूर पानी फेर दिया गया है। फिलहाल अभियान अभी शहर में जारी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक करीबन 500 से अधिक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तमाम जो थानाधिकारी हैं, ACP तक के अधिकारी हैं, वो फील्ड में है और खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि एक भी अपराधी जयपुर शहर में ना बच सके। प्रत्येक अपराधी को थाने लाया जा रहा है, उससे जो हथियार बरामद हुए हैं वो थाने लाए जा रहे हैं, अवैध जखीरा जो बरामद हुआ है वो भी बरामद जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अभी भी जो दबिश का अभियान है वो जारी है और माना जा रहा है कि शाम तक बड़ी संख्या के अंदर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और देर शाम को पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। दीपिका, ठीक है। सत्यनारायण, एक बात और, क्या अलग अलग जगहों पर इस तरीके से दबिश भी दी गई होगी? जरा ये बताइए कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी, सबसे ज्यादा अपराधियों को कहां से पकड़ा गया है? दीपिका, देखिए, तमाम जो थाने इलाके हैं जयपुर शहर के जितने भी थाने हैं, उन थाना इलाकों के अंदर प्रत्येक उस स्थान पर तबीज दी गई जहां पर बदमाशों के संभावना रहने की संभावना थी, और क्योंकि सुबह सुबह बदमाश अपने घर पर मिल जाते हैं, ऐसे में जरूरी था कि अभियान गोपनीय रखा जाए। विशेषकर करणी विहार, वैशाली नगर, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, कटपुती नगर, तो ऐसे जो इलाके जहाँ पर बदमाशों के रहने की सूचना पुलिस के पास थी उन्हें चिन्हित किया गया और एक साथ तबीज दी गई। माना जा रहा है कि 250 से अधिक जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है, जारी है, और साथ साथ बड़ी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं, साथ साथ जो अवैध शराब का जखीरा है वो मिला है। मादक पदार्थ तस्करों को भी इस अभियान में जोड़ा गया है, तो माना जा रहा है कि पुलिस का बड़ा एक्शन है और आज शाम तक पुलिस